जल्दी साफ कर लेना चाहिए वरना तुम्हें डांट पड़ेगी। ये कॉमिक पढ़ने के बाद साफ करूँगा। नोबिता, तुमने अपना कमरा साफ किया? मैं आकर देखने वाली हूँ। अरे कमरा तो साफ है। देखा, तुम कर सकती हो नोबिता। तुम्हें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए बेटा। डोरेमोन, तुमने ये सब कैसे किया? ये किसी भी चीज पर फेंको तो वो डूब जाती है। इसके नीचे है। मुझे सिर्फ एक बाइट चाहिए, समझे? ठीक है,
एक ही बाइट लेना। अब मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। वाह ये तो स्वादिष्ट है, ये मेरा फेवरेट है। चलो मुझे एक और बाइट दो। तो तुम यहाँ हो हाँ? Thank you.
आज से रात कैसे हो गई? तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तुमने फिर से रूम गंदा किया? तुम्हारे कपड़े भी बिखरे हुए हैं। नोबिता, कहाँ हो तुम? डोली माँ, मुझे फिर से सिंगिंग बॉल लो ना। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो डोली माँ। मैं नहीं दूंगा। नोबिता के खजाने की ताजा। प्लीज मुझे कॉमिक खरीदी है, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। 3 दिनों से? तो आप ही लीजिए। शुक्रिया। लगता है पैसों की प्रॉब्लम सभी को है। मुझे नहीं लगता डोरेमोन मेरी इसमें मदद कर सकता है। क्या कहा तुमने? मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम शायद भूल गए हो कि मैं एक फ्यूचर रोबोट हूँ। तुम जो चाहो वो मुझसे पूछ सकते हो। पैसों की परेशानी डोरेमोन? क्या पैसों की? देखा ना, नहीं हो सकता। नहीं, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। बेचने वाली? इसमें कुछ भी सामान डालो तो ये मशीन तुम्हारे सामान के बदले तुम्हें पैसे देगी। क्या डाल सकते हैं? इसे अंदर डाल के देखते हैं। इस तरह से अंदर डाल दो और शुरू करो। ये तो सिर्फ 150 रुपए है। जिससे की ध्यान दे, इसलिए सस्ता है। और वो लैब? अब पैसे वापस डालो और देखो क्या होता है। ये तो वापस आ गया। अगर तुम 3 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं करोगे तो तुम्हारा सामान फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर में बिक जाएगा। मैं समझ गया। ठीक है। अरे बाप, क्या करे नोबिता, अगर पैसे नहीं दिए तो सामान वापस नहीं आएगा। जब मुझे पॉकेट मनी मिलेगी तब। अब मैं कॉमिक खरीद सकता हूँ। इस महीने भी पैसे काफी कम है। सुनो मॉम। हाँ? आपके पास फर वाला कोट है ना? हाँ है। तुम्हारे डैड ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। ये कोट बहुत ही महंगा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे डैड ने मुझे ये गिफ्ट किया था। हाँ? अरे नहीं, मेरा कोट। वो मैंने उधार दिया है। उधार पर? तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया? ये लीजिए 3,000 रुपए। उसके और थोड़े पैसे मिलने चाहिए थे। वो आप गैजेट से पूछिए। मैंने उस गैजेट में बहुत सारी चीजें डाली थी, तब जाके कॉमिक खरीदने के पैसे जमा हुए हैं। कौन सी चीज के सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे? हाँ? ओ, अच्छा तुम? अच्छा तो आप एक पेंटर हैं? हाँ, ये कैसा है? तुम्हारे घर के एंट्रेंस पे अच्छी लगेगी। जैसा मैंने सोचा था, मेरी पेंटिंग बिल्कुल नहीं बिकेगी। दरअसल मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता जियान के घर पे कोई महंगी चीज होगी। क्या कहा तुमने नोबिता? ओ जियान, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हें उसके बदले में कुछ पैसे मिल सकते हैं। ओ, ये तो अच्छी बात है। ये देखो, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। ये तो अच्छी बात है, इसमें से काफी सारी चीजें नहीं दिख रही है। अरे दोस्त, वाह, ये तो मेरी ही कॉमिक है। मुझे लगता है जियान अपने दोस्तों का छीना हुआ सामान लेकर आया है। अरे बुरा मत मानो। नहीं 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 नहीं, नहीं।
शिजुका तुम्हारे पास कोई महंगी चीज है? हाँ? वो मेरा मतलब तुम्हारा वो खजाना कहाँ है? वो खजाना तो मैं अपनी इस डॉल का बहुत ख्याल रखती हूँ, ये मुझे मेरे अंकल ने दी थी। क्या ये क्या कहा तुमने? तुमने मुझे इतनी दूर इस चीज के लिए क्यों बुलाया नो बताओ? ये लो, ये मुझे दे दो। हाँ? ये तो बहुत ही पुरानी डॉल है। चलो देखते हैं इसके कितने पैसे मिलेंगे। पुरानी चीजों का दाम हमेशा ज्यादा मिलता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ शिजुका। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए नोबिता, मुझे मेरी डॉल वापस लाकर दो अभी। लेकिन कुछ चीजें पैसों से ज्यादा कीमती होती है नोबिता, समझ गए? मेरी प्यारी डॉल, मुझे माफ कर दो। अगर मैं ढूंढूं मुझे कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है। मुझे नहीं लगता हमें कोई अच्छी चीज मिलने वाली है नोबिता। ये तो वही पीटर अंकल है। इन अंकल को पैसों की बहुत परेशानी है। हाँ, देखकर लगता है। क्या हम उस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। अरे अरे क्या हुआ? अरे तुम तो हेलो, वो हम अच्छा इस मशीन में सामान डालो तो ये तुम्हें पैसे देगी। अच्छा, पुरानी चीज चलेगी क्या? हाँ शायद। पुराने चीजों के भी पैसे मिलते हैं। अब इसे ले लो। ये पेंटिंग अरे ये तो बहुत ही अजीब है, इनका कुछ नहीं मिलने वाला है नोबिता। सही कहा तुमने। इन्होंने तो पूरा कमरा खाली कर दिया। मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है हम इनकी थोड़ी हेल्प कर पाए। ये लो। अरे वाह, ये मेरे लिए है क्या? डोरेमोन, ये अच्छी बात नहीं है। बुरा नहीं मानना, मुझे बस शुक्रिया कहना है। ये लो। शुक्रिया। ये बहुत स्वादिष्ट है। बाय बाय। बाय। ये लो। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम्हारे पास कोई मजेदार गैजेट है ना? इस गैजेट से अच्छी चीजों के ज्यादा पैसे मिलते हैं ना? मुझे कीमत जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इन चीजों की असली कीमत बताना चाहूँगा, समझे ना? लेकिन मैं मशीन से ज्यादा पैसे निकलते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है नोबिता। पहले ये बात कहती है इसे अभी भी पसंद करने हैं, ये कोई मारी प्लेट है। और ये 50 लाख की प्लेट है। क्या 50 लाख? 500 रुपए? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी। नकली होगी इसलिए। अगली है, अगली बहुत अच्छी चीज है। इस फ्रेम में पिकासो की पेंटिंग हुआ करती थी। सेंड्रिकियो का पसंदीदा मैजिक कप। कप प्लेट। नोबुनागा की बॉल। मतलब क्या होता है? हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो पेंटिंग वाले अंकल। आप फिर से बेचना चाहते हैं? नहीं, अब मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। क्या? अब मेरे पास पेंटिंग का कोई टैलेंट नहीं है। मैं हार गया और अपने गांव जा रहा हूँ। अरे नहीं। तुम दोनों को मिलकर अच्छा लगा, चलता हूँ। रुकिए अंकल।
शायद इन पेंटिंग के कुछ पैसे मिल जाए, है ना? मुझे पता नहीं, पर इतनी सारी पेंटिंग्स बेचकर शायद इनकी कुछ मदद हो जाए। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। ज्यादा पैसों की उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ, हाँ। प्लीज गैजेट, मैं चाहता हूँ इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। इतने सारे पैसे। आपकी पेंटिंग की कीमत बहुत ज्यादा है अंकल। अरे नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सारी पेंटिंग्स क्या तुमने बनाई हैं? अरे नहीं नहीं अंकल, ये पेंटिंग तो उन्होंने बनाई है। हाँ जी, वो सब मैंने बनाई है। क्या सच में आपने बनाई है? माफ कीजिए, दरअसल मेरी एक बहुत बड़ी गैलरी है। गैलरी मतलब? गैलरी वो जगह होती है जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स बिकती हैं नोबिता। इसका मतलब? मुझे आपकी सारी पेंटिंग्स एक बार में ही पसंद आ गई। ये बहुत अच्छी लग रही है, क्या मैं इन्हें खरीद सकता हूँ? आप इन्हें खरीद सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी।